तो यो बात सब दोस्तों, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड पार्ट 9। तो आज की वीडियो में हम अपने आप को पूरा कवर करने वाले हैं एंशिएंट डेब्रिस से, तो एक दो टूल भी कर देंगे। तो चलो सीधे मिलते हैं आपसे नेदर पे। तो दोस्तों अभी मैं नेदर में तो जा रहा हूँ, और मैंने जो फार्म बनाया उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगलिंग इकट्ठी हो जाते हैं और मुझे मारते रहते हैं। तो मुझे अब मुझे लगता है नया एक नेदर पोर्टल बनाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी जल्दी से एंशिएंट डेब्रिस को माइन करते हैं फुल हेल्थ करके। तो दोस्तों अभी तो मैं माइन में लगा हूँ और एंशिएंट डेब्रिस ढूंढ रहा हूँ। चलो आप एक गाना एंजॉय करो, तब तक मैं एंशिएंट डेब्रिस को फाइंड करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और मैंने एंशिएंट डेब्रिस स्मेल टोन लगा दिए। अगर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप ये जो गोल्ड मिलता है नेदर में इसको फॉर्ज वाली से तो पिकेस से तोड़ते हो तो आपको इंगट मिलते हैं, वो भी एक दो। अगर आप उसको सिल्क टच से स्मेल टोन के लगाते हो तो आपको उसके सीधे नगेट मिलते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी से एक स्मिथिंग टेबल बनाते हैं और अपग्रेड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा आर्मर बिल्कुल घटिया सा है और उसको पहले मैक्स आउट करूँगा मैं, मतलब पूरे की पूरी मैक्स इंचमेंट डाल के उसको मैं मैक्स करूँगा। अभी तो बिल्कुल घटिया सा है मेरा आर्मर, मतलब उसमें इतनी अच्छी इंचमेंट नहीं लगी ना इसमें। तो अभी इसमें मस्त इंचमेंट करेंगे, उसके बाद ही इसको करेंगे। देखो कितनी घटिया घटिया इंचमेंट लगी है इसमें। तो पहले इसको मस्त इंचमेंट करके आते हैं, फिर इसको करेंगे अपग्रेड। तो अभी मैं करता हूँ मजदूरी बहुत ज़्यादा वाली। तो चलो गोल्ड फार्म को करते हैं एक्टिवेट और करते हैं काफ़ी ज़्यादा लेवल लेवल कर करके और एंचेंट कर करके करेंगे अब बुरा हाल। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इनको जल्दी जल्दी से मारते हैं और यहाँ पे कुछ ले लेते हैं एंचेंटमेंट्स। तो दोस्तों अभी तो बुरे हाल ही है मेरे एंचेंटमेंट्स के, बहुत गंदी गंदी एंचेंटमेंट मिल रही है। मैं तुमसे बिल्कुल एट दी एंड में। तो दोस्तों अभी मैंने पूरी की पूरी एंचेंटमेंट लगा दी, अपना आर्मर मैक्स आउट कर दिया है। मेरी चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स में लगी है प्रोटेक्शन 4, मेंडिंग थॉर्न्स 2, अनब्रेकिंग 3, और जूते और इसमें बहुत ज़्यादा एंचेंटमेंट लगी है। एक दो को दो तीन मुश्किल से हार्डली दो तीन एंचेंटमेंट होगी जो हेलमेट और बूट्स में नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा मेरी मदद की है इस वाले विलेजर ने प्रोटेक्शन 4 में लगाने के लिए, क्योंकि दो एमरल्ड की प्रोटेक्शन 4 बेचता था। वैसे मैंने दो जॉम्बी विलेजर क्लियर किए थे पर एक मैंने मार नहीं दिया समझो यार। और चलो अब जल्दी जल्दी से इंचेंटमेंट करते हैं पूरे के पूरे सेट को, बनाते हैं नए राइड का और बनते हैं ओवर पावर और अपनी स्वॉर्ड करते हैं और पिकैक्स भी कर देते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम हो चुके हैं पूरे के पूरे नेदर आइट से कवर। क्या हाई तक दिख रहे हैं दोस्तों, अब आगे जाके हम अपनी एक्स को भी करेंगे। तो देखते हैं आगे अपने को इंचेंटमेंट भी, और मुझे एंशिएंट डेब्रिस की इंचेंटमेंट पता नहीं क्यों नहीं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।